हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है वर्ल्ड स्पोर्ट कप के बारे में। तो कल वर्ल्ड स्पोर्ट कप के ग्रैंड फाइनल का डे वन खत्म हो गया। तो डे वन के बाद इसमें नेपाल के टूबी गेमर की टीम 78 पॉइंट के साथ टॉप में है और इसमें सेकंड नंबर पे है इंडिया के केमिन स्पोर्ट। और बाकी टीमों का पॉइंट्स आपको अगर देखना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के ऊपर जोंटी गेमिंग ने बात करते हुए ये कहा कि उनके हिसाब से केमिन स्पोर्ट वर्ल्ड स्पोर्ट कप के ग्रैंड फाइनल का चैंपियन बनेंगे। और इसके अलावा जोंटी गेमिंग ने इसके ऊपर और क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। टीजी टॉप थ्री भाई, टीजी लव टीजी। इंडिया की कोई टीम तो ऊपर है यार गाइस, देखो इंडिया की कोई टीम तो ऊपर है। देखो गाइस, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, टीम कोई कैसा भी खेले, इंडिया के लिए खेल रही है तो बेस्ट खेल रही है। देखो मैंने स्टार्टिंग के 3 से 4 मैच देखे, फिर मेरा लाइव का टाइम हो गया, ठीक है। सो वो 3-4 मैच में मेरे को एक टीम सबसे ज्यादा पसंद आई। जब मैंने पहले 4 मैच देखे, मेरे को सबसे बेस्ट और प्यारी टीम लगी NXT। केमिन, मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा है केमिन पे कि WEC जो जीतेगी वो जीतेगी केमिन। मेरे को भरोसा है, भरोसा इन द सेंस मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। ये मैं सोचना कि भाई मैं TG को गलत बोल रहा हूँ, OG को गलत बोल रहा हूँ या किसी को गलत बोल रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि कैमिन अभी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। कैमिन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है भाई, बहुत अच्छी। वो बंदा इधर है, वो इधर भी गोली चला देंगे ना तो इधर बंदा मर जाएगा, इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है। ऐसे मारेगी ना डाउन। अगर वो रिफाइनरी की जगह फाउंडेशन उतर गई, या मैं बोलता हूँ स्काईलोज कह रहा हूँ, वो क्या है सेंटा कैटरीना उतर गई, जोन वही बन जाएगा। इतना मस्त अभी उसका किस्मत और फॉर्म चल रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम में मेरे को कैमिन लगती है जो जी सकती है। बाकी और टीम भी अच्छा खेल रही है, उसके अलावा मेरे को ये भी अच्छा लगती है, क्या कहती है तुम्हारा NXT भी बढ़िया खेल रही है। मैं इन दो का कह सकता हूँ कि ये दो भी है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कौन से टीम चैंपियन बन सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगला न्यूज है टोटल गेमिंग और टोटल गेमिंग स्पोर्ट के तरफ से। तो टोटल गेमिंग और टोटल गेमिंग स्पोर्ट के तरफ से उनके इंस्टा पे ये सब स्टोरी शेयर किया गया और इसमें उन लोगों ने सभी को वार्निंग दिया कि जो भी उनके नाम और लोगों से वीडियो बनाते हैं या फिर किसी भी तरह के पोस्ट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या फिर कहीं पे भी हो, तो उसमें अगर बिना प्रूफ के उनके खिलाफ क्रिटिसाइज या फिर हेट फैलाया जाता है तो वो लोग उन लोगों के ऊपर या फिर वैसे चैनल के ऊपर एक्शन लेंगे। और जिसने भी उनके खिलाफ पहले ऐसा वीडियो बनाया है तो उन लोगों को वैसा वीडियो हटाने के लिए 48 आवर्स का टाइम दिया गया। और इसके साथ ही इसके ऊपर उन लोगों ने और भी काफी कुछ कहा। वैसे अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वाम के बारे में। तो स्वाम ने अपने इंस्टा पे एक बंदे का मोबाइल नंबर रिवील करते हुए कहा कि इस मोबाइल नंबर वाले ने उनके साथ और कुछ क्रिएटर के साथ स्कैम किया है और ये किस तरह का स्कैम था उसके ऊपर बात करते हुए स्वाम ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। सो गाइस, अभी जो आप लोग नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही बड़ा वाला स्कैमर है। एंड ये जो बंदा है मतलब इतना हाई लेवल पे स्कैम करता है ना, 10-20 हज़ार का स्कैम नहीं करता, ये लाखों में स्कैम करता है। एंड ये सेम चीज हम लोग के साथ भी अभी जस्ट हुआ, मतलब हम तीनों यूट्यूबर्स के साथ हुआ, ठीक है, मैं, विनी 777 एंड B2YT, जो तीनों यूट्यूबर्स के साथ अभी जो स्कैम हो गया ये। एंड भाई मतलब लिटरली हम लोग गाइस कैसे फंस गए मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। ये जो बंदा है अभी स्पॉन्सर करवा लिया, फिर उसके बाद वीडियो वगैरह भी दे दिया, अनलिस्टेड पे पेमेंट हो गया बोल के बोला, बट क्या हुआ कि मतलब अनलिस्टेड पे पेमेंट भी नहीं हुआ एंड भाई कुछ भी नहीं हुआ। ये बोलता रहा 2 बजे दूंगा, 3 बजे दूंगा, मतलब टाइम एक्सटेंड करता रहा, ठीक है। एंड भाई हम सोचते हैं कि भाई देगा, बट यार ये बंदे ने बहुत ही खतरनाक लेवल का मतलब यहाँ पे स्कैम किया है। एंड अभी ये बंदा ऊपर से धमकी भी दे रहा है कि जो करना है कर लो। तो भाई लोग आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है कि ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो इसको कॉल करो एंड जो करना है करो भाई, ठीक है, धमकी दो, जो करना है करो, क्योंकि ये बंदा। अगला न्यूज है सुजीत गेमिंग के बारे में। तो सुजीत गेमिंग का 1 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और हैक होने के बाद हैकर ने उसके ऊपर कुछ स्ट्रीम किया था और उसी के वजह से उनका चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट भी हो गया। तो इसी के ऊपर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट के ऊपर यूट्यूब इंडिया ने भी रिस्पॉन्स दे दिया।
किया। तो अभी हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी से उनके YouTube चैनल वापस आ जाए। और आपको अगर उनकी इस ट्वीट का लिंक चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लोकेश गेमर ने अपने लिए गोल्ड के आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया है और इस गोल्ड आईफोन 13 प्रो मैक्स का कीमत काफी ज्यादा है। वैसे आपको अगर उनके ये वीडियो देखने हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और गाइस हमारे सेकेंड चैनल ARG ब्लॉग में फनी फनी शॉर्ट वीडियो आता रहता है, तो आप लोग चाहे तो जाके जरूर चेक करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।